नमस्कार। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कब आएगी, कब आएगी। आपके इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। आज डेट है 23 दिसंबर 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपका जो फॉर्म है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और उसकी एंड डेट है 16 जनवरी 2024। आपको जो टाइम दिया गया ना, बहुत शॉर्ट दिया गया है, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए। अगर आप इंतज़ार करेंगे, चलिए ठीक है आ जाए, तो कल फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो अगर साइट स्लो हो गई तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो अब मैं जो बातें करने वाला हूँ फुल नोटिफिकेशन की, कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी सावधानियाँ बरतनी हैं आपको अपने फॉर्म को फिलअप करते वक्त, क्योंकि फॉर्म को फिलअप करने से पहले हम 3 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन बता दे रहे हैं। बड़े गौर से इसको सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई गलती आपसे ना हो। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया एक बार तो आपको कई साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपकी ओवर एज भी हो सकती है, तो सावधानी ज़रूरी है। चलिए हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दी गई है, हम उनकी बहुत डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी आई है वो है 60,244, उनमें भी कैटेगरी के अनुसार उनको आरक्षित कर दिया गया है। जैसे कि अनारक्षित जनरल कैंडिडेट के लिए 24,102, EWS कैंडिडेट के लिए 6,024 आरक्षित किए गए हैं, जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 16,264 आरक्षित हैं, और जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 12,650, और जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो ST कैंडिडेट हैं, उनके लिए 1,204। तो 60,244 पदों को इस प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जो हम ठीक है, हमने ये तो बता दिया है कि 27 दिसंबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होगा, 16 जनवरी 2024 तक चलेगा, ठीक है ना। यानी कि 27 3 4 दिन, ये 16 दिन, ये मान चलिए 20 दिन का टाइम आपको दिया गया है। और अगर मान चलिए 16 तारीख को आप आपकी फ़ीस अपना पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 18 तारीख तक अपनी फ़ीस आप जमा कर सकते हो। आपकी जो शुल्क लगने वाली है वो है 400 रुपये मात्र। योग्यता की बात की गई है तो उनकी राष्ट्रीयता इंडियन होनी चाहिए, भारतीय होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात की गई है, शैक्षिक योग्यता आपका 10+2 होना चाहिए, या उसके समकक्ष जो भी शैक्षिक योग्यता आती हो उनके समकक्ष होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों का सवाल था कि अगर हम अपीयरिंग हैं, अब की बार इंटर में है, तो फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है कि जो आपके हाथ में आपकी आपकी जो क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होनी चाहिए, पेंडिंग में है वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अधिमानी अर्हता की बात की गई है। अधिमानी अर्हता मतलब ये है कि किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, किनको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अगर आप इंटर पास हैं, साथ ही साथ आपके पास DOIC के द्वारा ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको वरीयता मिलने वाली है। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए ओ लेवल आपके पास नहीं है लेकिन NCC का B सर्टिफिकेट आपके पास है, तब भी आपको वरीयता मिलेगी। जो कैंडिडेट सेना में 2 साल की सेवा दे चुके हैं उनके लिए भी छूट यहाँ पर दी गई है, उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात करें, आपकी जो एज है, एज आपकी जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी एज 18 से 22 साल रखी गई है, ठीक है ना, और जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी 18 साल से लेकर 25 साल तक उनकी एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर बच्चों का सवाल है कि छूट कितनी दी जाने वाली है। देखिए अगर आप OBC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट वहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि आपकी जो एज की गणना की जाएगी 1/7/2023 को की जाएगी, 5 साल की छूट मिलेगी आपको। चलिए हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वैवाहिक परिस्थिति की बात की गई है, तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस इतना है कि 2 शादी ना हुई हो, ठीक है ना, आपकी 2 जीवित पत्नियाँ नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक स्वस्थता की बात की गई है कि आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी इसमें आपको शामिल किया जाएगा, अन्यथा शामिल आपको नहीं किया जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखित परीक्षा की थोड़ी सी बात करते हैं। लिखित परीक्षा में कहा गया है कि कुल अंक आपके 300 के होंगे, यानी प्रश्न कितने होंगे 150, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का 2 अंक का, ठीक है ना, और आपको समय मिलेगा 2 घंटे का।
लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 यानी कि 0.5 अंक आपका काट लिया जाएगा गलत उत्तर देने पर। मान के चलिए कि आपके पास दो सवाल हैं, दो सवालों में से आपको आपने दोनों सवाल का जवाब दिया, एक सवाल आपका सही और एक गलत हो जाता है, जो दूसरा वाला जो आपका सवाल था वो गलत हो चुका है और पहले वाले अंक में आपका 0.5 अंक आपका काट लिया जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको कितने अंक मिलेंगे, 1.5 अंक मिलेंगे। चलिए ठीक है, ऐसे ही आपका काम किया जाता है। अब आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, यानी कि OMR सीट पर आपकी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी सी एक और चर्चा करते हैं जहाँ पर फिजिकल की मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी फिजिकल। हाँ ये देखिए, जो पुरुष कैंडिडेट हैं मैं उनकी बात करता हूँ, जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अनिवार्य है। और जो अनुसूचित जनजाति के हैं, ध्यान रखें, जो OBC जनरल OBC और SC कैंडिडेट हैं उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो ST कैंडिडेट हैं अनुसूचित जनजाति जिसे बोलते हैं हिंदी में, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होगी तब भी चल जाएगी। सीना की बात की गई है पुरुषों के लिए, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर उनका सीना फूलना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं महिलाओं की बात, ऊंचाई इनकी, अगर वो OBC कैंडिडेट सामान्य है, OBC कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति हैं तो 152 सेंटीमीटर, अगर महिला है और अनुसूचित जनजाति की है तो 147 सेंटीमीटर इनकी हाइट रखी गई है मिनिमम, ठीक है ना। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर महिलाओं भर्तियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम का होना चाहिए। हम आगे की तरफ और बढ़ते हैं, अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात की गई है, दौड़ की बात, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो आपको 4.8 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में आपको तय करना होगा, लेकिन वहीं पर अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तब आपको 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, हम अब एज छूट की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो एज की छूट है ना वो SC ST और OBC के लिए छूट दी गई है। यहाँ पर दो प्रकार की छूटें हैं, एक तो वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो इनको वर्टिकल में रखा गया है, और जो हॉरिजॉन्टल में रखा गया है वो स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड और महिला को रखा गया है। इस प्रकार से इनको एज की छूट यहाँ पर दी गई है। तो ये जो अनुसूचित जाति हैं 5 साल, अनुसूचित जनजाति हैं उनको 5 साल की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। ये तो एज की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर एक चीज़ और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपकी जो आप फोटो अपलोड करेंगे ना वो बहुत ध्यान में समझिएगा। देखिए चेहरे की जो छवि है वो कह रहा है कि पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कोई छाया नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो फ़ोटो है वो 6 महीने के भीतर की होनी चाहिए, सफ़ेद हो या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि पर अवश्य हो, ठीक है ना। तो सफ़ेद बैकग्राउंड होगा आपके पीछे फ़ोटो के पीछे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि जब आप फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट फ़ोटो की जाती है, तो फ़ोटो को कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि आप फॉर्म को ऑनलाइन करवा तो रहे हो साइबर कैफ़े पे, कहीं भी ऑनलाइन सेंटर पे आपका अपना फ़ोटो अपलोड करो, फॉर्म अप्लाई करो, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कल जिम्मेदार आप ठहराए जाएंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखें कि आपकी जो फ़ोटो होगी ना वो या हल्के ग्रे रंग की या सफ़ेद पट्टी पे होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है ना फ़ोटो की वो सफ़ेद पट्टी में होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का होगा। आपके जो दोनों कान है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट, और सेल्फी मत लीजिएगा बैक कैमरे से आप अपनी फ़ोटो, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। दोनों कान बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, आँखें बिल्कुल सही ढंग से खुली होनी चाहिए, मुँह आपका बंद होना चाहिए, कुछ ऐसे ही, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप अपनी फ़ोटो और कैमरे के सामने आपकी नज़र होनी चाहिए, ऐसा करके फ़ोटो बेस्ट फ़ोटो खिंचवाइए और उस फोटो को अपलोड करिएगा ना, नहीं तो आपकी फ़ोटो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो आप ज़िम्मेदार खुद होंगे। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर दी गई हैं। मानसिक अभिरुचि है, बुद्धिलब्धि है एवं तार्किक क्षमता भी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। फॉर्म को ऑनलाइन करते वक्त
इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करेंगे इसकी वीडियो हम बना देंगे और 27 तारीख को सुबह अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हम अपने वीडियो अपलोड करते हैं आप उसको देखकर अच्छी तरह से आपको फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।